तो गाइस मैं पहुंच गया हूं इस टाइम हाटकोटी। तो भाई यहां से आप देख सकते हो टेंपल के लिए रोड जाती है नीचे, और नीचे आप देख सकते हो टेंपल है। यहां आप देख सकते हो भाई नीचे टेंपल है, हाटकोटी टेंपल। और भाई सामने अभी आएगी हाटकोटी कैंची, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो भाई ये है हाटकोटी कैंची, इसमें आप देख सकते हो एक जो सामने रोड जा रही है ये जाती है भाई, ये रोड जाती है आपकी देहरादून, और यहाँ से आप राइट टर्न लोगे तो निकलोगे आप शिमला के लिए। तो यहाँ से भाई हम शिमला जाएंगे, और जो सीधी रोड जाती है भाई वो जाती थी देहरादून, वहाँ से आप देहरादून जा सकते हो, चौपाल जा सकते हो। सो भाई इस टाइम मैं खड़ा पत्थर से नीचे उतर गया हूँ वादियों में, और बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो रही है। तो मौसम देख ही सकते हो आप भाई खराब है यहाँ पे शिमला में, तो अभी बारिश नहीं हो रही है। अभी मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था तो वहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ से अब सीधा छैला में जाके रुकूंगा, वहीं पे खाना वाना खा के अपने फ्रेंड, वहाँ पे भी मेरा एक फ्रेंड है भाई महादेव का रहा ससुरी वाला, उससे मिलके फिर वहाँ से सीधा जितना हो सके उतना जल्दी शिमला के लिए निकलेंगे। आज शिमला में जाके रुकेंगे, फिर बाकी देखते हैं आज कितना काम कर खींच सकते हैं शिमला में भी। तो इसमें भाई इस गाड़ी में बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है हीट की, कभी इसमें भाई ये टेम्परेचर वाले जो आप देख सकते हो ना टेम्परेचर वाले सुइयां हैं ये कभी गायब हो जाती है इससे, कभी ये फुल हो जाती है। सो गाइस इस टाइम मैं हूँ गुम्मा बाजार में पहुँच चुका हूँ मैं। तो यहाँ से लगभग अभी 2 घंटे का सोच लो इस गाड़ी के साथ 2 घंटे का रन है शिमला के लिए, वैसे तो अप्रॉक्स पूरा ही रोड उसे 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस गाड़ी में इस बार ही 4-4.5 घंटे के आसपास तो लग गए। मैं रास्ते में थोड़ा बीच में रुका भी था। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ छैला, यहाँ आप देख सकते हैं भाई छैला में गर्मी भी बहुत है भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी धूप आई है आज यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे भी गर्मी ही रहती है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड की शॉप है भाई, ये इस साइड को आप देख सकते हो महादेव। तो गाइस छैला से तो मैं हो गया फ्री भाई उससे मिलके, तो यहाँ से निकलते हैं अब जितना हो सके उतना जल्दी भाई आज पहुंचना है। भाई शिमला जाते जाते ये देख सकते हो आप लोग मौसम कैसा हो चुका है, और यहाँ पे बारिश भी आने शुरू हो गई है। तो इस टाइम मैं कुफरी पहुंचने वाला हूँ, लगभग अभी फाकू पहुंचने वाला हूँ, लगभग यहाँ से फाकू होगा 5 किलोमीटर हार्डली, उसके बाद कुफरी आएगा, कुफरी के बाद हम नीचे उतरेंगे शिमला। तो आप मौसम देख ही सकते हो कितना अच्छा हो गया भाई शिमला का, तो मौसम कितना अच्छा है भाई अब, पर आजकल थोड़ा रिस्की भी रहता है बरसात में ना, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स रोड गिरता है, लैंडस्लाइड्स होती है कहीं से, रोड आगे से दीवार गिर जाती है रोड की। अभी पीछे भी एक एक्सीडेंट हुआ था,
जहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जहाँ मैं अभी एग्जैक्ट हूँ, इससे 2 किलोमीटर पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई अभी क्या हो गया, मैं ना गाड़ी खींचते खींचते आ रहा था, तो मैं ओवरटेक ले रहा था गाड़ी ट्रक से, तो इसने ना गाड़ी ने खींचना बंद कर दिया। मैं एक बारी चेक कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं होगी गाड़ी। यहाँ पे कूलेंट लेवल तो प्रॉपर है, तो मतलब गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना रेस्ट कर करके आ रहा हूँ तो गाड़ी गर्म होने का कोई चांस भी नहीं है। और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, देख सकते हो, तो बारिश भी तेज हो गई है, तो गाड़ी गर्म होने का कोई चांस है नहीं। गाड़ी गर्म हो तो फटाफट से अब यहाँ से सीधा निकलते हैं भाई शिमला। इस टाइम मैं फागू क्रॉस कर चुका हूँ, यहाँ से फटाफट से शिमला निकलते हैं, मतलब बारिश भी यहाँ पे तेज हो गई है। अगर शिमला में ऐसी बारिश आई तो आज भी मुश्किल है, क्योंकि शिमला में जिस शॉप में मैं जा रहा हूँ भाई, वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है गाड़ी मैं अंदर लगा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी ओपन ही काम करते हैं, तो मुश्किल ही है। तो एक दिक्कत और भी होगी, अगर इसमें मॉइस्चर बन गया ना विंडशील्ड पे, तो मुझे एसी चलाना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं एसी चलाऊंगा तो मुझे डाउट है कि कहीं और ज़्यादा हीट ना हो जाए एसी के वेट से, लोड से गाड़ी। बारिश भी भाई बहुत तेज हो गई आज। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ भाई कुफरी में, और यहाँ देखने को मिल रहा है मेरे को भाई एक ट्रक के ऊपर दूसरा ट्रक जा रहा है, तो कुछ खराब हो गया इसमें। तो भाई बारिश भी थोड़ा कम होने लगी गई है लगभग। धीरे धीरे कम हो रही है बारिश, लगता है शिमला में तो होगी नहीं इस टाइम, क्योंकि कुफरी और शिमला का वेदर अलग है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि शिमला में नहीं होगी होगी। तो भाई ये सामने कुफरी के IHM, यहाँ पे भाई IHM होती है, सर्दियों में जब बर्फ गिरी होती है तो भाई आपने देखा होगा इस साइड को याक होते हैं बहुत सारे, तो आजकल तो नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब तो टूरिज्म थोड़ा खत्म भी हो गया है शिमला में, आजकल टूरिस्ट भी नहीं आता है शिमला, क्योंकि अब बरसात है, तो बरसात में आपको पता है टूरिस्ट कम हो जाता है। एक तो पहाड़ियों पे भाई लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बरसात में, और दूसरा भाई आजकल करेंगे भी क्या आके। सो फाइनली गाइस मैं शिमला पहुंच गया, मैं अभी जा रहा हूँ ढली बाईपास, जो कि पूरी सोच लो एक तरह से कार मार्केट भी है इस रोड पे, पूरी की पूरी कार मार्केट है। मैं उस साइड पर निकल गया हूँ अभी, तो आगे गाड़ी कहीं साइड पे लगा के पहले अपने फ्रेंड का वेट करूँगा, उसके बाद हम शॉप पे जाएंगे।
मिला के शूट कर सकती है। और कुछ उसमें हमें जो होते हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे इसको, और भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आज वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको पता ही चल रहा था थोड़ा सा दिलवाना, तो पुलिस काम भी करेंगे। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अब हम यहाँ से सुनना शुरू कर जाएंगे। कुछ क्लिप्स मेरी थोड़ी ख़राब भी होगी इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। मेरी वीडियोस क्लिप्स जो मैंने ब्लॉग बनाया था शिमला से, लोग से आते हुए शिमला के लिए, वो भी ख़राब हो गया था। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।